एवरी वन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। हेलो गाइस, तो अनिका खेल रही है, ये देखो नहा के, और मैं भी नहा के जैसे मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं आलू मटर टमाटर की सब्जी, और बनाऊंगी चावल रोटी। इतना बनाऊंगी, दोनों टाइम का एक ही टाइम बना लूंगी, क्योंकि टाइम अभी हो गया है 12:30, और चाय भी बहुत लेट में पी थी मैंने, 10:30 पौने ग्यारह के आसपास मैंने चाय पी है, इस वजह से तो लेट हो गया सब कुछ, क्योंकि आज सारी सफाई कर रहे थे हम। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, तो बने रहिएगा वीडियो पे। तो चलिए मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट हो रहा है, फिर अनिका भूखी हो जाएगी, तो उसे भी देना है खाना मुझे। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही थी, और अनिका जैसे देख रहे हो आप, खेल रही थी बाहर बैठी हुई चारपाई पे, और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है खेलने के लिए, बहुत कम ही जाती है, और इतनी अच्छे से खेल रही थी। और खेलते खेलते ना, पता है आपको, और शाम को वही अचानक से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, गर्मा गर्म मैंने रोटी बनाई उसके लिए, और सब्जी रोटी मैंने उसको दी, उसने खाया भी एक रोटी, और फिर मेरे साथ में वो लेट गई, आराम भी करी। फिर शाम को 4 बजे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और बहुत ज़्यादा उसे मतलब पोटी और बुखार और पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों क्या हुआ अचानक से, बहुत रो रही थी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं अकेले, और यहाँ से इतनी दूर पे डॉक्टर भी थे और कोई भी नहीं, और जो उसे लेके जाए, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, और जाने का वो नाम भी नहीं ले रही थी, कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर के पास, मुझे यहीं घर ही पे रहने दो। तो इतना मतलब मुझे ख़राब सा लग रहा था। फिर मैं फटाक से तैयार हुई और अनिका को लेके, फिर जब उसे थोड़ा आराम मिला तब मैं उसे लेके गई, क्योंकि यहाँ पे बाइक भी नहीं थी और रात हो गई थी, तो उसको क्या कहते हैं, फिर अनिका को मैं पैदल लेके गई हॉस्पिटल। तो आप लोग प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं जब जब आती हूँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, इसीलिए कहते हैं ना अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और यहाँ पे हस्बैंड होते बाबू होते ना तो कोई फिक्र ही नहीं होती है। यहाँ पे देख सकते हो मैं अनिका के लिए ही खाना निकाल रही हूँ, और मैंने उसके लिए सब्जी और रोटी निकाली और मैं उसको देने जा रही थी, इतने प्यार से मेरे बच्चे ने खाया, और फिर उसे पता नहीं क्या हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई हमको उस दिन, इतना मैं परेशान हो गई हूँ अनिका को देख देख के, क्योंकि वो रोए जा रही थी, और शायद वो उसके एक दिन पहले बहुत रोई थी, जो मैंने आपको ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, तो शायद उसको इसीलिए फीवर आ गया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो रोई थी इस वजह से, और पापा को मिस करके शायद इसलिए उसको फीवर था, मुझे जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए भी थाली निकाली, उधर पूजा भी बैठ के खा रही थी, मैं और पूजा दोनों लोग। तो देखिएगा गाइस, अभी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और जब मेरे बच्चे के साथ होता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जल्दी से सूट डाला है, और मैं तुरंत से ऐसे ही निकल रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मतलब शाम हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ अनिका को लेके डॉक्टर के पास, मैं दिखाऊंगी जाके कि क्या हुआ है अनिका को, फीवर और पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो इतनी शाम हो गई और मैं अनिका को पैदल लेके जा रही थी, क्योंकि ऑटो रिक्शा मिल ही नहीं रहे थे, और पैदल पैदल मैं उसको लेके गई थोड़ी देर तक, तो गोदी लेके गई, और पूजा ने भी गोदी लिया, लेकिन थोड़ा उसने पैदल भी चला, बहुत हिम्मत वाली है मेरी बेटी, और पता है चाहे जितना भी दर्द होता है, लेकिन इतना
इतना परेशान नहीं करती है, उसको पता है कि मम्मा अकेले हैं, तो इतना वो समझती है मुझे, मुझे पता है, क्योंकि नहीं तो वो पैदल बिल्कुल भी नहीं चलती। जितनी देर मैंने गोदी लिया उतनी देर वो गोदी रही, मैंने उतारा तो वो उतर भी गई। तो देखो यहाँ पे उसे आराम था थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बैठी है, क्योंकि मैंने घर पे भी दो दवाइयाँ दी थी उसे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्लिनिक पे, तो डॉक्टर के पास, तो यहाँ पे लूँगी दवाई अनिका के लिए और फिर जाऊँगी घर। तो यहाँ पे हो गया था 8:30 बज गया था रात के, और क्योंकि डॉक्टर के वहाँ पे भीड़ भी थी, तो मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और कुछ था भी नहीं घर पे जो मैं बनाऊँ, क्योंकि मैं मार्केट जा ही नहीं पाई थी कुछ लेने को, तो सुबह का ही रखा हुआ था जो, तो वो भी पता नहीं क्यों फ्रिज चल नहीं रही है, तो मेरा सारा खाना भी ख़राब हो गया, सब्जी मेरी पूरी की पूरी ख़राब भी हो गई। फ्रिज होती तो मैं रख देती, और मैं जब से अनिका की तबीयत ख़राब हुई मैं उसे गर्म करना भी भूल गई, और दोनों लोग अनिका के ही पास बैठे रहे, मैं और पूजा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं और पूजा सभी लोग खाने जा रहे हैं जो मार्केट से लेके आए थे, वही खा लेंगे और सो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं अब। अनिका मेरी अनिका की तबीयत ठीक थी, देख सकते हो वो स्माइल भी कर रही है, लेकिन एक चीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब, इसीलिए मैं यहाँ पे, मम्मी मना करती हैं अकेले रुकने को, क्योंकि अनिका की तबीयत बिगड़ जाए तो कोई नहीं है जो उसे कहीं मतलब हॉस्पिटल ले जाए या उसकी देख रेख करे। घर में कहने को तो सभी होते हैं ना, रिश्ते हैं, हर एक लोग हैं घर में, लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई भी नहीं है, तो उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ, और मैं जहाँ तक पूरी कोशिश करती हूँ, मैं इतना उसको ज़्यादा ये सब चीज़ पसंद नहीं है, बस खाना बनाने का मन नहीं था, तो एक एक हम लोग यही खा के और सो जाएंगे बस। और क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, इतनी दूर पैदल पैदल आए गए, इस वजह से उधर से तो ऑटो रिक्शे से आ गए थे, लेकिन इधर से तो पैदल ही जाना हुआ, और यहाँ पे हम लोग बातें कर कर के खा रहे थे। और अनिका अभी बिल्कुल ठीक थी, और बड़ा मैं उसको दवाई मैंने उसको दे दी थी वहीं पे, डॉक्टर ने पिला दिया था, और जब उसको आराम मिल गया था ना तभी हम लोग क्लिनिक से आए थे, तभी इतना लेट हो गया था, और क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था तो डॉक्टर ने बोला अभी मत ले जाओ उसे, जब आराम मिल जाए तब आप ले जाना, तो हम लोग वहीं पे बैठे रहे जब अनिका को आराम मिल। और लेट जाएंगे, क्या कर सकते हैं, और क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, पैदल इधर से गए उधर से, तो ऑटो रिक्शे से आ गए थे। तो यहाँ पे अनिका बिल्कुल ठीक थी, वहाँ पे दवाई डॉक्टर ने दी, और जब अनिका को आराम मिल गया तभी मैं उसको घर लेके आई, क्योंकि मैं मुझे डर लग रहा था कि आराम ना मिले और मैं घर ले आऊँ फिर कैसे जाऊँगी दौड़ के, इस वजह से मैं जब अनिका को आराम मिल गई तभी मैं घर आई। तो यहाँ पे हम लोग यही खा पी के सो जाएंगे, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट डे और मॉर्निंग में, क्योंकि अब काफी लेट हो गया, फिर मिलते हैं, बाय। Wish all the hashtags, likes, and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what. जगी और अभी वो ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे मॉर्निंग में बन रही है मेरी चाय, और अनिका अभी सोई रही थी, और उसके बाद उठ जाती है, अभी वो थोड़ी देर में उठ जाएगी, और मैंने उसको रात में दवाई दे दी थी और उसे आराम मिल गया था जैसे मैंने आपको बताया ही। तो गाइस ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अकेले रहना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बस इसीलिए मुश्किल होता है जब आप ज़्यादा परेशान होते हो या कोई बीमार होता है, कोई नहीं होता है देखने के लिए, करने के लिए या कुछ बताने के लिए, तभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब खास करके बच्चा बीमार होता है तब बिल्कुल भी माइंड काम नहीं करता, क्योंकि वो सही से बता नहीं पाता है ना मुझे क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, तो बस यही चीज़ है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, आप लोग भी आइए पीजिए आके चाय, और मैं अब इस ब्लॉग को एंड कर दूंगी। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो, ब्लॉग का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट का वेट रहता है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, जय माता दी।